अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक एशियन ट्रेड टीवी। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो किस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ऐसे दो प्लेटफॉर्म है जिसे यूज़ करते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेड लगाने के बारे में जानने से पहले आपको मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्या है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एक्सचेंज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एक्सचेंज यूज़ होती हैं जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अगर हम दोनों एक्सचेंज का डिफरेंस देखें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, और इसके डिफरेंस को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस एक्सचेंज को हम यूज़ करते हुए अपनी ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में पांच ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और हम जानेंगे कि इन पांच पॉइंट के ऊपर नज़र रखते हुए हम किस एक्सचेंज को चूज़ करेंगे और किस एक्सचेंज को चूज़ नहीं करेंगे। और इसके एंड में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी एक्सचेंज आपको यूज़ करनी चाहिए और कौन सी एक्सचेंज यूज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, अगर मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करूँ या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करूँ, तो दोनों में लिक्विडिटी की जो ऑप्शन होती है कि किस एक्सचेंज में लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है और किस एक्सचेंज में लिक्विडिटी कम मिलती है, तो जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में है उसमें ज़्यादातर यूज़र बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, इस वजह से उसमें एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अगर इसके मुकाबले में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात की जाए तो उसके अंदर जो लिक्विडिटी है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है डेली बेसिस के ऊपर। अगर उसके ऊपर ट्रेड की जाए कि वो ट्रेड बहुत कम होती है, इस वजह से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत कम होती है और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर टू, यूज़र फ्रेंडली की अगर बात की जाए कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर यूज़र फ्रेंडली एक्सचेंज कौन सी हैं, तो दोनों यूज़र फ्रेंडली एक्सचेंज हैं। अगर मैं इसमें डिफरेंस आपको बताऊँ तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये है कि आप यूज़र फ्रेंडली अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप ईमेल वगैरह और पासवर्ड इजीली आप पुट करते हैं तो आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को एक्सेस कर लेते हैं। अगर मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की टैब बताऊँ, उसका डिफरेंस बताऊँ, तो ये है कि आप उसके अंदर आपको एक की बताई जाती है, वो की को आप की के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, ना कि आप उसके अंदर ईमेल डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, एडवांस फीचर के सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एडवांस फीचर कौन कौन से हैं। अगर मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करूं तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर पाए जाते हैं, कि अगर आप इसके ऊपर ऐप की बात करूं या डेस्कटॉप इसका वेब वर्जन की बात करूं तो काफ़ी फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसके अंदर आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। अगर इसके अंदर आपको कहीं ट्रेडिंग विद इन सेकेंड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड करनी है, तो आप विद इन सेकेंड के अंदर आप अपनी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये भी काफ़ी फ़ायदा है कि आप अगर उसके अंदर ट्रेड लगाने जा रहे हैं तो आपको फ़ंड अगर कहीं से डिपॉजिट करनी है तो आप इसके अंदर पी टू पी ट्रेडिंग के थ्रू आप इसके अंदर फ़ंड अपनी डिपॉजिट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर आप मल्टीपल करेंसीज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर इसके एक्सचेंज जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसकी अगर मैं बात करूँ इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो विद इन सेकेंड के अंदर आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वो आप उसके अंदर ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं होती। उसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब 5 साल के लिए 10 साल के लिए, तो आप इसके अंदर अपने फंड को होल्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, अगर मैं बात करूं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो पॉइंट नंबर फोर है वो काफ़ी मददगार है, वो आपको बताऊं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी इजीली आपको 24 आवर आपको कस्टमर सपोर्ट मिलती है। कि इसके मुकाबले में अगर मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करूँ तो इसमें आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि ये एक
डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये आप इसके अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलती। अगर इसके मुकाबले में सेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैं देखूँ तो आप देखेंगे तो आपको उसके अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग के हवाले से या प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कस्टमर सपोर्ट 24 घंटे मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सिक्योरिटी का क्या इशू है और इसमें कितना डिफरेंस है, तो मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूँ तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये है कि आप सिक्योरिटी में काफ़ी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको KYC करवाना बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि इसका जो मुकम्मल आप KYC नहीं करवाएंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता। इस बेस के ऊपर आपका मुकम्मल डाटा जो है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, जो हैक होने का काफ़ी खतरा होता है। और अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूँ तो इसमें यह है कि आपको कोई KYC नहीं करवानी पड़ती और ना ही कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आप इजीली इसको लॉगिन करते हैं और अपना अपनी की हासिल करते हैं, आप इजीली इस एक्सचेंज को, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक्सेस कर लेते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हैकिंग होने का काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी माजी के अंदर एक्सचेंज हैक हो चुकी है, उनके फंड अभी तक नहीं मिले। अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूँ तो इसमें 95% सेफ है, ये हैक नहीं होती, क्योंकि ये आप खुद ऑन करते हैं। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हो है वो एक ओनर ऑन करता है, जब मर्जी चाहे उसे ऑफ कर सकता है। इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आपने शॉर्ट टर्म काम करना है और डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं। ये आज मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। अब आपने खुद चूज़ करना है कि कौन सी एक्सचेंज आपने यूज़ करनी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।